अरे जो एक बार बैठ के भाई साइड में आ जाओ, थोड़े 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 भाई सुनो कर जी, हम जी एक बार आपका आगे से थोड़ा सा थोड़े पीछे पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, थोड़े सारे भाइयों से निवेदन है अपने अपनी कुर्सी के ऊपर आ जाए आप, ताकि कार्य प्रणाली चल सके। ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी को भी निहारे दे रहे, थोड़ा सा धैर्य रखे और अपनी जगह पे आ जाए, सब अपने अपनी कुर्सी पर, अपने अपने स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमारे भाई राव डांग सिंह जी, महेंद्र दत्त जी के इस बार यहाँ विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे बीच में हमारे जो आपको जाने पहचाने हैं उनके संघर्ष को आप उनसे ज्यादा जानते हैं, हमारे बीच में हमारे भाई रामविलास भरोड़ेला जी, हमारे बीच में हमारे भाई हमारे आदरणीय राम स्वरूप जी, हमारे बीच में हमारे भाई सत्यपाल भांगो जी, हमारे पंडित जी पंडित पौरपाल जी, हनुमान सिंह वर्मा जी, हमारे एयर मार्शल भोजिया साहब, हमारे भाई दिनेश जी, हमारे भाई राम प्रसाद गढ़वाल जी, जिला परिषद जो जिला परिषद के सदस्य हैं, हमारे बीच में हमारे जिले डोला जी, जो हमारे जीव जिले के यूथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपने चुनाव की कमान को संभाले हुए हैं, भाई विपुल काशनिया जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील भाई जो आपके बीच में बोल रहे थे, हमारे भाई आदमपुर से आदमपुर गांव से संजय जैन जी, हमारे बाबूलाल शर्मा जी जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे आदमपुर हल्के से, लेकिन जो पूरी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं रामलाल जी का, और उनके आने से भी हमें ताकत मिली है, और से साथी भाई शमशेर मलिक जी जो कि लाइट का बंद पकड़े हुए हैं, और भाई जो सभी हमारे साथी हैं, पिता चलने बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहने आजाद गाँव में पहुंचे, आपने मानसिक धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, इस चुनाव के बारे में दो तीन बातें, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते आपके बीच में दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नतीजा चुनाव उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ना ये चुनाव कोई आपके डिमांड से हो रहा है कि आप, ना तो संविधान के उसमें हो रहा है कि भाई पांच साल का जो टर्म होता है संवैधानिक टर्म, ये बीच में उपचुनाव आ कैसे आ गया मुझे अगर आप जानते हैं, कोई आपकी मांग नहीं थी कि उपचुनाव कराओ, प्रदेश के लोगों की मांग नहीं थी, आदमपुर के लोगों की मांग नहीं थी, लेकिन तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि विधायक रहे हैं उन्होंने बीचों बीच बीजेपी को राज्यसभा इलेक्शन में वोट की जरूरत थी, एक वोट की जरूरत थी, रातों रात उन्होंने फैसला लिया और बीजेपी को वोट देने का काम किया, वो अपने किस वार्ड में काम किया, कैसे बीजेपी ने विधायक पूरे देश में बीजेपी कैसे विधायक विधायकों को लेती है तोड़ती है दूसरी पार्टियों से, एक अलग विषय, मगर आजमपुर के लोगों के मान सम्मान या यहाँ के विकास से कोई फैसले का लेना देना नहीं था, क्योंकि वो स्वयं जो विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट दी
और बीजेपी के वोट देने से एक महीने पहले वो कह रहे थे कि तीन साल में पूरे हरियाणा में बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, कोई विकास कार्य नहीं किया खट्टर सरकार ने। तो जब खट्टर सरकार ने, खट्टर भूषण सरकार ने तीन साल पहले, पांच साल, आठ साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, तो अभी तो अब तो एक साल बच जाएगा तो चुनाव के बाद, तो आखिरी एक साल में कोई गुंजाइश, क्योंकि आखिरी एक साल में वो जाएंगे बीजेपी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, उनको भी पता था कि काम नहीं होने, बीजेपी ने बता बिठा दिया हरियाणा, लेकिन कोई उनकी राजनीतिक कोई अपना कोई स्वार्थ पूर्ति रही होगी, खैर उस पर मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आपको फैसला जो देना है, उस फैसले के दो अर्थ निकलेंगे, एक अर्थ निकलेगा आदमपुर के लिए और दूसरा अर्थ निकले हरियाणा के लिए। हरियाणा में आपने 9 साल की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार, इस खट्टर सरकार को, ये खट्टर सरकार है या खटारा सरकार है मुझे आप जानते हो, इस सरकार को आपने देखा और इनके कार्यशैली को आपने देखा। 9 साल में जिस सरकार ने, जो हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर एक पे था, 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा 8-9 साल की खट्टर बीजेपी सरकार के बाद, आज वो हरियाणा आप जानते हो कि विकास की पटरी से उतर गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पे चढ़ गया और बेरोजगारी में नंबर एक बन गया। आज हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ, हरियाणा जो प्रदेश लगता है वो देश में यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार, ऐसा हरियाणा इस खट्टर सरकार की देन, बेरोजगारी में देश में नंबर एक होने साधारण बात की। आज उस हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और महंगाई में, क्योंकि रेट सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, टैक्स सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, सबसे ज्यादा आज अगर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं महंगे हैं तो हरियाणा के प्रदेश में महंगे हैं, और इसके बदले में कोई विकास कार्य नहीं, किसी गांव में कोई विकास कार्य सरकार में हो रहा है तो मेरे को आप बताओ, किसी शहर में कोई थर्मल का कारखाना लग रहा, हमारी सरकार में 8,000 करोड़ की लागत से खेड़ में थर्मल का कारखाना लग रहा था, फतेहाबाद के अंदर लगभग 25,000 करोड़ की लागत से परमल का कारखाना लग रहा था, कहीं 4 लेन की सड़क मंजूर हो रही थी, हिसार से सपाली तक, हिसार से रोहतक, हिसार से केतन अम्बाला, कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, विश्वविद्यालय लाल लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हिसार में, कई कॉलेज बन रहे थे, कहीं जो गुरु गंगेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में थी उसको, उसका विस्तार करके उसको दुगना करने का काम उस समय उनका सरकार में, हमारी सरकार में हुआ था, और सबसे बड़ा देश का ऑडिटोरियम चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम गुरु गंगेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस ऑडिटोरियम की स्थापना 70-80 करोड़ की लागत से हुई। तो उस समय विकास कार्य हर गांव से लेकर शहर तक, पूरे हिसार तक, पूरे हरियाणा में विकास का पूरा घूम रहा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 3-8 साल में इतना जिसने टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया है, गरीब आदमी को महंगाई से, बेरोजगारी से, हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया, उस सरकार ने हरियाणा के विकास को कितना चौपट कर दिया और भ्रष्टाचार में लगे हुए बीजेपी और बीजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी के मंत्री आपस में महकमे बांट के, कोई शराब के महकमे में लूट रहा है तो कोई माइनिंग के महकमे में लूट रहा है, हरियाणा के लूट खसूर भ्रष्टाचार में हरियाणा का नंबर कर दिया और हरियाणा के विकास में हरियाणा का नंबर पीछे कर दिया। तो पहला फैसला आपको ये करना है कि इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार को आपने 2 बार देख लिया, क्या 3री बार भी इसी सरकार को लाइसेंस आप दोगे, 5 साल का लाइसेंस इनका रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस आप कैंसिल करोगे, यही सरकार रखोगे या इस सरकार को बदलने का काम रखोगे, बदलोगे, एक बार बदलोगे तो हाथ खड़ा कर दोगे भाई ये सरकार आप बदलोगे, इस सरकार को बदलो। आपके हरियाणा के नौजवान के नाते में आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरी है हरियाणा के अंदर विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा के अंदर निवेश हो, जो क्षेत्र बने, हरियाणा दोबारा से विकास की पट्टी पर आए, गांव से लेकर शहर तक विकास हो, किसान की खुशहाली आए, किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जाए, देश में दोबारा से सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा में 10 साल हमारी सरकार रही सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन हरियाणा में, हरियाणा के रही पूरे देश में, और इस बार दोबारा से आपके आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा तो छुट्टी बोलकर, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, उसको छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा अगर पेंशन कमी होगी तो 6,000 की बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर लागू कर सकता है। उसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन देने सबसे ज्यादा हो, हरियाणा विकास का पहिया दोबारा घूमे,
100 गज के प्लॉट की स्कीम जो खट्टर सरकार ने बंद कर दी, उस स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। ऐसी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीस बिरादरी के बीपीएस गरीब परिवार, उनके लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा लागू हो, उनके लिए प्लॉट करके हर गाँव में जहाँ पर नहीं बने थे और हर गाँव में 100 गज के प्लॉट की कॉलोनी का विकास हो। मकान की योजना, जो मकान की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो योजना दोबारा से लागू हो। मनरेगा की दिहाड़ी, जो आज अगर नॉर्मल दिहाड़ी करो तो 600, मनरेगा में 350 की दिहाड़ी बढ़े, मनरेगा का बजट बढ़े। और सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मंत्रीकार, मनरेगा के मैच हमारी सरकार में 11,000 सफाई कर्मचारी जो लगे थे, उन सफाई कर्मचारियों को ताकि पक्का होने का अवसर मिले। तो ये सारे काम तब हो सकते हैं संभव। और हर आदमी को महंगाई, क्या महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। आपको याद होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की 2004 में, तो आते ही हुड्डा साहब की कलम से पहला फैसला था कि 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की जो बकाया बिल थे किसान के और मजदूर के, उन बिलों को माफ करने का काम हुआ था किसान गरीब को। इस बार एक घोषणा, एक फैसला, संकल्प है सरकार द्वारा बनी, तो पहला फैसला बिना किसी शर्त के हर बिजली के उपभोक्ता, हर बिजली के ग्राहक के 300 यूनिट बिजली के मुफ्त बिजली, 300 यूनिट एक महीना ताकि उनके अंदर राहत मिले। बीजेपी आई, महंगाई लाई और सरकार आप द्वारा बनाओगे तो उस महंगाई से राहत मिले, विकास प्रक्रिया घूमे, हरियाणा आगे जाए, नौजवान का भविष्य सवरे। पहला फैसला ये है। दूसरा फैसला आजमपुर में बदलाव का। आपने यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है उनकी कार्यशैली देखी है, वो ऐसे जनप्रतिनिधि है जो अकेले जनप्रतिनिधि ऐसे है जो ना संसद में कभी बोलते, ना विधानसभा में कभी बोलते, विधायक बैठे हुए। जब मनीष साहब 6 बार के विधायक, सारा जीवन तपस्या, एक संघर्ष करके दिन रात लोगों के लिए बीच में लगते, आज हरियाणा विधानसभा के अंदर राजधान सिंह जी, अहिरवाल किसान, या हमारे 5 बार के विधायक दिन रात लोगों की बात उठाते, विधानसभा में लड़ाई लड़ते अपने हल्के के लिए कि इस गाँव के अंदर स्कूल अपग्रेड हो, ये सड़क बने, ये सड़क रिपेयर हो, ये है इस गांव के अंदर डिग्गी बने, पीने के पानी की व्यवस्था हो, इसमें किसान का मुआवजा मिले। मोदी एक ऐसे यहाँ के जनप्रतिनिधि और ऐसी सरकार है। 5 महीने पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था खट्टर साहब के पक्ष में, राज्यसभा में वोट डाल दी थी। कम से कम इलेक्शन को देखते हुए तो हल्के में कुछ स्कूल अपग्रेड होना चाहिए थे, हल्के के कुछ स्कूलों में टीचर आना चाहिए थे, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए था, गाँव के अंदर कुछ विकास कार्य होने चाहिए थे। कम से कम इन 5 महीने में कुछ काम तो होने चाहिए थे, लेकिन ये पता था कि चुनाव है, ये पता था कि वोट डलिए है, लेकिन फिर भी ना किसी किसान के पास मुआवजा आया, किसान के पास ना किसी गांव के स्कूल में कोई टीचर आया, ना कहीं कोई विकास कार्य आया, ना मंडी आजमपुर के अंदर जो संघ बता रहे थे जो सड़कें छूटी पड़ी हुई, ना वो सड़कों का रिपेयर करने की कोई आवश्यकता महसूस करी, ना बिजली पूरा देने की, जब इलेक्शन है उस समय बिजली पूरा देने की या पानी देने की या किसी वर्ग को राहत देने की आवश्यकता। अब इलेक्शन हो जाएगा 1 साल के बाद, फाइनल इलेक्शन है, उसके बाद कितना ध्यान आपका होगा, कितना ध्यान रखेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एक बदलाव बता नहीं कि एक बदलाव हरियाणा में बदलाव, एक बदलाव आजमपुर में बदलाव, और भाई एक आपको विधायक मिलेगी जयप्रकाश जी, उसके साथ एक के साथ एक फ्री हमारी भी ड्यूटी इलेक्शन में आपकी वोट मांगने की लगी हुई है, तो जयप्रकाश जी के साथ जितेंद्र आपको एक फ्री में आपके जो है वकालत करने के लिए, जय प्रकाश जी आपकी लड़ाई करेंगे चंडीगढ़ में, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली देश की सबसे बड़ी पंचायत में। तो भाई मैं कितना गांव में आपने भी मान सम्मान दिया, स्वागत किया, एक बार सारे गांववासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमें बड़ी हमारी बड़ी उम्मीद पर थी गाँव से, तो भाई जो हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, उस पर पूरा उतरोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई सारा गांव बता दे पूरा उतरोगे। मैं खास तौर से अपनी बाकी सारी महिलाओं से, अपनी हमारी बाकी सारी सारी बहन से उनका धन्यवाद करता हूँ। 100 गज के प्लॉट की भी जो योजना जो बंद हो गई थी, 100 गज के प्लॉट की योजना को दोबारा शुरू करेंगे। जिस गांव में 100 गज के प्लॉट नहीं कटे थे उस गांव में 100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे। ऐसी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के भाई, पश्चिम राज्य का बीपीएल परिवार और मनरेगा के मजदूर, हर परिवार को, हर मनरेगा के मजदूर परिवारों को 100 गज के प्लॉट का जहाँ प्लॉट नहीं मिले वहाँ प्लॉट दिलाने का अप्लाई करके हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके आशीर्वाद के साथ बुढ़ापा पेंशन बोलती, बुढ़ापा पेंशन भाई बीजेपी का वादा था, बुढ़ापा पेंशन 5,000 सत्तर साहब और दुष्यंत चौटाला का वादा था, आगे नहीं करना चाहता था। अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन आ रही है 5,000,
उसका धर्म बनता है कि बीजेपी को वोट दे, सुप्रीम कोर्ट में वोट दे, सत्ता साहब को वोट दे। अगर किसी की पेंशन बुढ़ापा आ रही है तो किसी की पांच हजार बुढ़ापा पेंशन हाथ चढ़ा करके किसकी बुढ़ापा पेंशन पांच हजार आ रही है पांच हजार। और अगर किसी की कटगी किसी की रूटी पड़ी है किसी की ढाई हजार पेंशन आ रही है तो आपका धर्म होता है इधर आज कांग्रेस पार्टी का साथ दो हाथ के निशान से कांग्रेस पार्टी का साथ दो और किसी की कटगी तो इसका धर्म बनता है कि बूथ पे नस मेरे खड़े हो गए बुढ़ापा पेंशन जो है। ठीक है, धन्यवाद।